हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स के बारे में, और आपसे बात साथ ही साथ आपसे बात करूंगी इसका एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ, नोटिस नहीं कहेंगे एक डेट जारी हुई है कुछ, तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और आपके लिए गुड न्यूज भी है, यानी आपके लिए खुशखबरी भी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफ़ी यूजफुल आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर यानी 2019 में आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से काफ़ी फॉर्म्स निकले थे, जिसको कि काफ़ी मात्रा में बच्चों ने फिल किया था, यानी कि आपकी वैकेंसी जो थी आपकी 35,277 वैकेंसीज थी, और जो आपके एप्लीकेशन फिल हुए थे वो थे 1,60,00,000 के लगभग आपके एप्लीकेशंस फिल हुए थे। बट जिस चीज़ का सभी बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, वो अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ था। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि COVID-19 की वजह से वो और ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो दोस्तों, मैं आज आपसे यही बोलने वाली हूँ कि जो भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें आपका काफ़ी प्रोसेस होते हैं उससे पहले, यानी टेंडरिंग करना, बिडिंग करना, टेक्निकल बिडिंग करना, ठीक है, आपका क्लोजिंग हो गया, उसके बाद आपका सेंटर फाइनल किया जाता है कि कहाँ आपका एग्ज़ाम्स देंगे, एंड उसके बाद आपके पास एक रिजल्ट जो निकल के आता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट फाइनल होती है। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको आपका आरआरबी के वेबसाइट पे तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ऐसा, लेकिन रेलवे की ही ऑफिशियल पोर्टल IRPS में कुछ डेट्स का फेरबदल हुआ है, जो कि मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिडिंग का जो प्रोसेस होता है वो जो पहले था आपका, ठीक है, आपकी जो बिडिंग स्टार्ट होने वाली थी, जो उन्होंने नोटिस जारी किया था, जैसे कि आपको पता है कि चेन्नई कंडक्ट करवा रहा है, तो उन्होंने पहले जो डेट्स फाइनल की थी वो थी आपकी 3 तारीख से आपकी बिडिंग स्टार्ट होने वाली थी, बट अब आपकी डेट्स चेंज हो गई, 17 अगस्त हो गई है, यानी कि आपका लगभग 14 डेज का एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे लिए अच्छा तो नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी ये सारे प्रोसेस होंगे उतनी ही जल्दी हमारे पास एग्ज़ाम डेट आएगी। और साथ ही साथ टेंडर क्लोजिंग डेट की भी डेट चेंज हो गई है, जो कि 17/8 थी, अब आपकी 31/8 हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सारी डेट्स चेंज हो चुकी है, ठीक है, ये अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं आया, तो जहाँ तक हो सकता है कि डेट जो चेंज हुई है इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाए। तो दोस्तों, इसमें आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि जो इसकी प्री बिड है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और आपका जो है, अगर हम ये मान के चलें कि अगर ये इस गिवन टाइम में भी अगर हो जाता है, यानी ये प्रोसेस अगर सारे हो जाते हैं, तो भी हो सकता है कि इस ईयर के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएं, लेकिन बस शर्त यही है कि ये प्रोसेस भी जो गिवन टाइम है इसमें हो जाए, इसके आगे अब डेट एक्सटेंशन ना हो। अगर डेट एक्सटेंशन होती है तो मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल तो यही होगी सिर्फ कि एग्ज़ाम्स की डेट बढ़ जाएंगी, बाकी तो कुछ मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हाँ, 1.5 साल बहुत होता है किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करने के लिए, और अब बच्चे थक चुके हैं ये सोच सोच के, ये पूछ पूछ के कि एग्ज़ाम्स डेट कब आएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक वीडियो जो जारी हुआ था, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से था, जिसमें कि ये बात हुई थी कि वो उसमें बात कर रहे थे कि जो कि उनकी तरफ से जो स्क्रूटनी है वो फाइनल हो चुकी है। स्क्रूटनी का मतलब कि ये होता है, जैसे कि आप 1,00,000 1,60,00,000 बच्चों ने फॉर्म्स फिल किए हैं, तो इसमें कि होता क्या है कि आपके एप्लीकेशंस चेक की जाती है, आपका स्टेटस चेक किया जाता है, कितने लोग एलिजिबल हैं, किसी की फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी के सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद बच्चों की छटाई ही समझिए, छटाई होके आगे आगे आपके पास अभी कोई उसका कोई मेल या कुछ नहीं आया होगा कि आप रिजेक्टेड हैं या कुछ हैं, ठीक है, बिकॉज अभी वो प्रोसेस उन्होंने बोला तो है कि उन्होंने लॉकडाउन से पहले कंप्लीट कर लिया, स्क्रूटनी उनकी कंप्लीट हो चुकी है, बस उनका प्रोसेस था कि ये फटाफट जल्दी से कर दें, लेकिन COVID-19 आ गया तो इस वजह से उन्होंने ये प्रोसेस यहीं पर रुक गया। ये कहना है चेयरमैन साहब का रेलवे बोर्ड के कि ये प्रोसेस रुक चुका है, और 1,60,00,000 इस महामारी के टाइम में 1,60,00,000 के ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा जिम्मा हो जाता है उनके सर पर, क्योंकि ये महामारी ही ऐसी है कि जिसमें हम इतने लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकते। तो उनका कहना ये है कि वो आप लोग भरोसा रखें, एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे, काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनको ये लगता है कि प्राइवेटाइजेशन हो चुका है रेलवे में, निजीकरण हो रहा है, तो शायद एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, ऐसा नहीं है, हुआ होगा और होता है भी, लेकिन रेलवे कम्प्लीटली प्राइवेट कभी नहीं हो सकता, काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था इंडिया की इस पर टिकी हुई है, काफ़ी बैकबोन ये है,
बट प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा और जो वादा उन्होंने किया है, जो फॉर्म्स उन्होंने फिल करवाए हैं, तो आई होप उसमें एग्जाम्स तो ज़रूर होंगे। तो फ्रेंड्स मेरा मानना बस यही है और मेरा कहना भी सिर्फ यही है कि शायद यहाँ से एक होप नज़र आती हुई हमें नज़र आ रही है कि शायद एग्ज़ाम्स हो जाएं, क्योंकि दोस्तों देखो हमें जैसा कि पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स डेट आउट हो चुकी हैं, दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी हैं, तो शायद मे बी आरआरबी के CBT 1 की डेट भी, एनटीपीसी के CBT 1 की डेट भी आउट हो जाएं। बस बात वही है कि इस गिवन टाइम में अगर सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये प्रोसेस फटाफट हो जाते हैं तो हमारा मानना ये रहेगा कि शायद एग्ज़ाम्स डेट आ जाएँ। तो और जब चेयरमैन जी आपको भरोसा दिलवा रहे हैं कि एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे, स्क्रूटनी फाइनल हो चुकी है, सिर्फ अब जो ये बिडिंग वगैरह का प्रोसेस है ये आगे चलना है, ठीक है, इसके बाद वो सेंटर वगैरह फाइनल करके आपको एग्ज़ाम डेट जारी कर देंगे, तो दोस्तों प्लीज़ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक होप नज़र आ गई है जो कि 1.5 साल से शायद नहीं नज़र आ रही थी, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, ठीक है। हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट आपकी दिसंबर में ही आ जाए या मतलब दिसंबर के लिए आ जाए, बट अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट ईयर ये पक्का होने ही होने हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ निराश नहीं होना है और आपको करते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे मिलती हुई और आपको अब सिर्फ तैयारियाँ करनी है, अब रुकना नहीं है क्योंकि आपके पास एक उम्मीद जग चुकी है। अगर आप अब रुकना चाहते हैं तो आपकी 1.5 साल की मेहनत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर करना जिन्होंने भी इसके फॉर्म भरे थे, ठीक है, ताकि उनको भी पता चल सके कुछ इसके बारे में जो नई न्यूज़ आई है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।